हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष एंड यू आर वॉचिंग एलिट मनीष सर की क्लासेस। दोस्तों, आज हम इंडो इंडियन लिटरेचर के भवानी भट्टाचार्य की बात करेंगे। भवानी भट्टाचार्य वॉज बॉर्न इन भागलपुर, जो उस समय ब्रिटिश इंडिया के अंदर बंगाल प्रेसिडेंसी का पार्ट हुआ करता था। भट्टाचार्य ने अपनी बैचलर डिग्री पटना यूनिवर्सिटी से और डॉक्टरेट द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से प्राप्त की थी। ही रिटर्न टू इंडिया एंड ज्वाइंड द डिप्लोमेटिक सर्विस। सम ऑफ द भट्टाचार्य's आर्टिकल्स वर पब्लिश्ड इन द पीरियोडिकल कॉल्ड द स्पेक्टेटर, और इसी दौरान द स्पेक्टेटर के एडिटर फ्रांसिस एट्स ब्राउन से उनकी फ्रेंडशिप भी हो गई थी। दोस्तों, भट्टाचार्य का इंटरेक्शन रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ हुआ और उन्होंने टैगोर की पोयम द गोल्डन बोट को 1930 में इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया। एट्स ब्राउन और रविन्द्रनाथ टैगोर, जो अब भट्टाचार्य जी के फ्रेंड्स बन चुके थे, उन्होंने उन्हें सलाह दी कि वो अपनी फिक्शन को इंग्लिश लैंग्वेज में लिखें बजाय की बंगाली लैंग्वेज के। भट्टाचार्य जी इंडो एंग्लियन लिटरेचर की सोशल रियलिज्म वाले स्कूल से बिलोंग करते हैं दोस्तों, और इनकी राइटिंग्स में हमें रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी का प्रभाव तो देखने को मिलता ही मिलता है। दोस्तों, भवानी भट्टाचार्य का पहला उपन्यास जो बहुत ही लोकप्रिय भी हुआ था दोस्तों और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, उसका नाम है सो मैनी हंगर्स, जो कि 1947 में पब्लिश हुआ था। इट गॉट पब्लिश्ड फ्यू मंथ्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, सेट इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ द 1942-43 बंगाल फेमाइन एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ। मच ऑफ भवानी भट्टाचार्य's इंस्ट्रक्शन कम्स बाय वे ऑफ हिज ग्रैंडफादर। उनके दादाजी, जिनका नाम देवता था, वो एक सेंटली गांधियन फिगर थे जो हंगर स्ट्राइक को लेकर एक पॉन्शन रखा करते थे। बारूनी गांव जहां की उनके दादाजी रहा करते थे, उस गांव में उन्होंने सत्याग्रह लाने का भी काम किया था। दोस्तों, भवानी भट्टाचार्य जी को साहित्य अकेडमी अवार्ड 1967 में दिया गया। हिज नोटेबल वर्क्स आर सम मेमोरेबल यस्टरडेज, सो मेनी हंगर्स, इंडियन कैवलकेड, ही हु राइट्स अ टाइगर, द गोल्डन बोट, टुवर्ड्स यूनिवर्सल मैन, म्यूजिक फॉर मोहिनी, शेडो फ्रॉम लद्दाख, अ गॉडेस नेम्ड गोल्ड, स्टील हॉक एंड अदर स्टोरीज, गांधी द राइटर, अ ड्रीम इन हवाई, सोशियो पॉलिटिकल करेंट्स इन बंगाल, अ 19th सेंचुरी पर्सपेक्टिव। और भवानी भट्टाचार्य की डेथ 10th अक्टूबर 1988 में हो गई व्हेन ही वाज 81 इयर्स ओल्ड। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू भवानी भट्टाचार्य। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वॉज भवानी भट्टाचार्य बॉर्न? द करेक्ट आंसर इज भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट नॉवल ऑफ भट्टाचार्य। द करेक्ट वन इज सो मेनी हंगर्स। वट वॉज द नेम ऑफ भवानी भट्टाचार्य's ग्रैंडफादर? द करेक्ट वन इज देवता। When did Bhattacharya receive Sahitya Academy Award? The correct answer is 1967. Who wrote Gandhi the Writer? ये भवानी भट्टाचार्य ही थे दोस्तों जिन्होंने गांधी द राइटर नाम का वर्क लिखा, और ये वर्क 1969 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has written He Who Rides a Tiger? The correct answer is भवानी भट्टाचार्य। When was गांधी द राइटर published? द करेक्ट आंसर इज 1969। इट was द सेंटिनरी ईयर ऑफ महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हुज पोयम द गोल्डन बोट डिड भवानी भट्टाचार्य ट्रांसलेट इन टू इंग्लिश? द करेक्ट आंसर इज रविंद्रनाथ टैगोर। The work set in a context of the 1942-43 Bengal famine and Quit India movement is, the correct answer is So Many Hungers. When was So Many Hungers published? 1947.
When did Bhavani Bhattacharya die? Bhavani Bhattacharya ki death 10th October 1988 mein ho gayi when he was 81 years old. With this, I end today's class, friends. Thank you very much.